नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। हेलो व्यूअर्स, बिहार में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसे लेकर छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद बुलाया है। इस बंद को आरजेडी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। इसी बीच पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर का वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वह किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो, क्योंकि रेलवे के छात्रों की मांगों पर सहमति दे दी गई है। खान सर ने अपने वीडियो में छात्रों से प्रदर्शन में शामिल ना होने की अपील की है। उन्होंने कहा, देखिए सारे स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचना है, आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को दूर करते हैं। 28 जनवरी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लीजिए, यह आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। अभी वीडियो आया है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। उन्होंने कहा, मैंने रेल मंत्री से बात की, वो स्टूडेंट्स की मांग पर सहमत है। खान सर ने बताया कि रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि 20 गुना ज्यादा रिजल्ट देंगे, नंबर रिपीट नहीं होंगे, 3.5 लाख बच्चों को और जोड़ा जाएगा, एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म हो गई, ग्रुप डी वालों के सीबीडीटी 2 को अचानक जोड़ा गया था, उसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का भी इसमें दखल था, इसीलिए आसानी से सहमति बन गई। उन्होंने आगे कहा, गलती रेल मंत्री या पीएम की तरफ से नहीं थी, ये गलती आरआरबी की थी। आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी, इससे इतने बड़े एग्जाम कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सब गलत है। ये किसी छात्र या टीचर का बयान नहीं है, ये राजनीतिक बयान है। रेलवे को इसीलिए छात्रों की बात माननी होगी, क्योंकि यह संशोधन हुआ है, जो कमेटी बनाई गई है ये आरआरबी का फैसला नहीं है, इसमें रेल मंत्रालय और पीएमओ शामिल है। ऐसे में छात्र कोई 28 जनवरी को प्रदर्शन में शामिल नहीं हो। जब छात्र प्रोटेस्ट करेगा तो उसकी आड़ में अन्य लोग हिंसा और आगजनी करेंगे, जैसा आरा में ट्रेन जलाई गई। इससे पहले पटना के डीएम ने कहा था कि छात्रों के उग्र प्रदर्शन के पीछे कुछ कोचिंग संचालकों का हाथ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन खान सर आरआरबी एनटीपीसी के मुद्दे पर कई दिनों से बात कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि उनका इशारा खान सर की ओर ही था। हालांकि बाद में खान सर ने कहा कि अगर इन सब में उनकी कोई भूमिका है तो प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर ले। खान सर ने कहा था, अगर प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करता है तो आंदोलन खत्म होने के बजाय और उग्र होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोज की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।